हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल RDR पर। मैं हूं आपका रेल दोस्त रोहित। आज हम कोटा एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में बात करने वाले हैं। ये ट्रेन कब से चलेगी और क्या टाइम रहने वाला है, इसी वीडियो में जानेंगे, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। तो रेल की छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आपको हर अपडेट का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। दोस्तों, लॉकडाउन से पहले लोग अपने अपने काम धंधों पर जाते थे, मगर जब से लॉकडाउन लगा है लोगों के रोज़गार छीन गए हैं, क्योंकि जहां पर काम करने जाते हैं वो जगह दूर है या फिर बस किराया ज़्यादा होने की वजह से उनकी बचत नहीं हो पा रही। तो इसलिए इस रूट के लोगों की डिमांड की वजह से एक इंटरसिटी ट्रेन चलाई जा रही है। ये कोटा और नागदा के बीच में चलाई जा रही है, जो छोटी जगह से कोटा और नागदा से जोड़ेगी। इसकी सर्विस रोज़ाना रहेगी और शायद इस ट्रेन को रतलाम कोटा पैसेंजर ट्रेन की जगह चलाई जा रही है। इस ट्रेन के पूरे कोच जनरल कोच रहने वाले हैं, मगर हाँ, इस ट्रेन में आप बिना रिजर्वेशन के यात्रा नहीं कर सकते। इसके बीच जो स्टॉपेज रहने वाले मैं आपको बता देता हूँ, ढकनिया तालाब, दारा, मोरांग, रामगंज मंडी, भिवानी मंडी, शामगढ़, स्वासरा, चाऊ मेला, विक्रमगढ़ और महेंद्रपुर रोड रहने वाले हैं। ये एक ट्रेन कोटा से सुबह 7:30 बजे रवाना होगी और नागदा 11:30 बजे पहुँचेगी, और नागदा से दोपहर 3 बजे चलेगी और कोटा शाम को 7 बजे पहुँचेगी, और इसको 23 सितंबर यानी कल से चलाया जा रहा है। और अगर इसकी बुकिंग की बात करें तो बुकिंग आज से शुरू कर दी गई है। आप IRCTC से ऑनलाइन या फिर रेलवे काउंटर से भी बुकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में अच्छी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।